तो इंडिया में कहावत है ना कि जल्दी सबको होती है लेकिन टाइम पे कोई नहीं पहुंचता। तो वैसे मेरे दोस्त का भी हाल है, सारी पैकिंग हो रखी है कैंपिंग की, और 7:30 बोला था और अभी हो गए 8, अभी तक तो कोई आया नहीं है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। 7:30 का बोल के 8:30 बजे निकल रहे हैं। चलो, तो लास्ट वीकेंड जापान में थी 3 दिन की छुट्टियाँ और हमने प्लान बनाया कैंपिंग का। तो 9 सहयात्री इकट्ठा हुए, अमित, अभिषेक, नेहा, अजय, टीना, रेन, नैना, कुहारू और आदि। तो बुक करी हमने 2 गाड़ियाँ, बांधा बोरी बस्तरा और निकल गए रोड पे। 2 गाड़ी होने के बावजूद भी इतना सामान हो गया था कि गाड़ी में कोई जगह नहीं बची थी। इतने बड़ा कैंप में जगह नहीं हमारे। बहुत जगह है। यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट लगा दिए। दिल्ली में तो बहुत लगा है ना। से भरेंगे सेल्फ पेट्रोल, कौन सा कलर चूज करना है? टिपी टिपी डैप। अभी लिपस्टिक हो ही है। पेट्रोल है। ये लड़कियों का भी ना पेट्रोल और लिपस्टिक में अंतर नहीं पता। ये लाल वाला पेट्रोल रोड पे लगा रही थी। टिपी टिपी डैप। हमारे घर से था कैंप कुछ 250 किलोमीटर। जब चले थे मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन जब तक हम कैंप पर पहुंचे तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना रेनिंग कैट एंड डॉग्स, वो वाली बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत तेज। बारिश बंद हो गई साले। ओके। वो सीरियल किलर लग रहा है। पता कर क्या? छाता और रेनकोट दोनों। सारा सामान बारिश में ही पार्किंग से कैंप साइट तक लाया गया और ट्रिप के बड़े मर्दों को आदेश मिला कि आप कैंप लगाओ। और जब तक हम कैंप लगा रहे थे, ट्रिप के छोटे मर्द ये कर रहे थे। You're the star of the video. Mera dost Ryon, Abhishek. Mera dost Adi. Adita, say hi. Namaste. Teen idiots are making tent. Abhishek, Ajay. मैंने फोटो में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा टेंट, धन्यवाद। यस, दिस इज अच्छा। ये लग गया हमारे कैंप। सही बड़ा कैंप है, नया लिया है कोई Amazon का। Amazon बेसिक्स। एक महल सपनों का। जिस जगह पर हम रुके हुए थे वहाँ पे बहुत सारे कीड़े थे और 5 मिनट में उन्होंने अमित के पैरों का ऐसा घाल कर दिया। पैर देखा की। भाई की फिल्म बन गई। पैर पांव भारी हो गया अभी आने के। स्वेलिंग। और अगले दिन स्वेलिंग इतनी बढ़ गई थी कि वो जूते तक नहीं पहन पा रहा था, बहुत मोटे पैर हो गए थे। ये बंदा है जिसके पैर थे, शक्ल और पैर मैच ही नहीं कर रहे। ये अजय सिर्फ वीडियो बनाने के लिए खड़ा रखा यहाँ पे, वैसे कुछ काम नहीं किया इसने। शाही टिक्के भाई साहब, शाही टिक्के ऐसे बना दूंगा ना भाई साहब। इसको मैं होड़ दबंग 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 सलमान टिक्के। सलमान टिक्के खाओ जिक्के सलमान के टिक्के। वेज का मजा ही कुछ और है वैसे। ये बात तो है भाई, वेज टिक्के और नॉन वेज जोक्स का कोई टक्कर नहीं है। कैंप के दूसरे छोर पे बन रही थी कॉफी और हमारे यहाँ बन रही थी चाय। और ये सज्जन पुरुष था हमारे चाय वाले। चाय वाला चाय ले ला। ये आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, अब शाम हो रही थी और मैंने सोचा एक दो टाइम लैप्स लगाते हैं, लेकिन मेरा GoPro 4-5 बार अपने आप बंद हो गया। मुझे लगा मे बी मेमोरी कार्ड का कोई इशू होगा। बाद में जब मैंने शाम को सारी फुटेज चेक करी तो कैमरे में कैद हुए ये 2 असामाजिक तत्व। शिकार बन रहे हैं मासूम लोग और इसके बाद भी बेपरवाह है प्रशासन। फिर प्रशासन ने एक्शन लिया और इन दोनों को कैमरे से दूर भगाया गया। मामा,
ना देख रहे हो। कैंपिंग की अगली सुबह अभी जा रहे हैं कोई दाइसन फॉल करके कोई जगह, ठीक है। अभी 1 किलोमीटर यहाँ से, अब बच्चे अच्छे हैं, देखते हैं कितना जा पाते हैं। जापान में जब हम हाइकिंग करने जाते हैं ना तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, हम फेलो हाइकर्स को ना कोनिचिवा से ग्रीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहीं पे देख लो, ये जो हाइकिंग थी दो पार्ट में डिवाइडेड थी। कैंप से ब्रिज तक था ये कुछ 30 मिनट और ब्रिज से वाटरफॉल तक था कुछ 30 मिनट। पर हमारे साथ क्योंकि बच्चे थे और किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था हाइकिंग का तो हम लोगों ने ज़्यादा चांसेस नहीं लिए। अब ये था हाइकिंग का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, हम किसी तरह बच्चों को हाथ में पकड़ के ले तो गए और ब्रिज पे पहुंच गए। नीचे देखो, अब हम लोग बच्चों को किसी तरह ब्रिज तक ले तो आए थे लेकिन आगे लोगों ने बोला कि हाइकिंग और कठिन है तो हम लोग को मुंह लटका के वापस जाना पड़ा। लेकिन मुझे और अमित को हाइकिंग बहुत ज़ोर की आ रही थी और हम लोग अगले दिन उठे 6 बजे और हम लोग हाइकिंग पे गए। ये देखो ड्रोन के शॉट्स उस वाटरफॉल के। और हाइकिंग ब्रिज के बाद सही में डेंजरस थी तो अच्छा हुआ हम बच्चों को लेके नहीं गए। तो उस हाइकिंग की तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी कैंप पे दोबारा चलते हैं वापस। तो वापस लौट के ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, हम लोगों ने टेंट समेटा, सारा सामान बांधा, कूड़ा डाला और गाड़ी उठा के निकल गए।